जी नमस्कार साथियों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से इन दिनों हम लोग लेखक, अनुवादक, संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी के विभिन्न विधाओं में हुए अवदान पर चर्चा कर रहे हैं। अलग-अलग हिस्सों से और अनुशासनों से आए वक्तागण अपने तई अपनी बात रख रहे हैं। आज हम लोग इस पांचवी कड़ी में रविंद्र त्रिपाठी जी को सुनेंगे, लेखक, पत्रकार, फिल्मकार और स्वयं एक संस्कृति कर्मी। मुख्य रूप से वे बतौर संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी के महत्व और उनके अवदान पर अपनी बात रखेंगे, मगर उससे पूर्व यह भी चर्चा होगी कि वे किस तरह से अशोक वाजपेयी जी को पढ़ना शुरू करते हैं, क्या प्रभाव बतौर पाठक, बतौर भावक उन पर पड़ता है और किस तरह की भेंट मुलाकात उनके साथ रविंद्र त्रिपाठी जी की रहती है। इन सब पर सिलसिलेवार ढंग से बातचीत होगी, तो आइए हम रविंद्र जी को स्क्रीन पर लेते हैं। जी रविंद्र जी, नमस्कार, स्वागत। नमस्कार। आपको भी नमस्कार और सभी जो दर्शकगण हैं उनको भी नमस्कार। जी अर्पण जी, जी, और अच्छा कि इस श्रृंखला में आप उपस्थित हैं और आपकी दृष्टि से हम आज संस्कृति कर्मी और लेखक अशोक वाजपेयी जी के विभिन्न योगदानों को समझेंगे। तो आपसे निवेदन है कि शुरुआत से ही कुछ शुरुआत हो और किस तरह आप बतौर पाठक भावक उनके साथ जुड़ते हैं और फिर भेंट मुलाकातों की एक श्रृंखला आगे बढ़ती है। रविंद्र जी, देखिए अशोक जी से मेरी मुलाकात तो पहली हुई थी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, 1987 में। और उस समय मैं दिल्ली में फ्रीलांसिंग करता था, कई जगहों पर लिखता था, नवभारत टाइम्स वगैरह में। तो दिनमान में, तो दिनमान ने एक बार मुझे, अशोक जी ने भारत भवन में एक कविता उत्सव किया था और उसमें कई भाषाओं के कवि आए थे। तो मैं दिनमान की तरफ से गया था उसमें, और उसमें नामदेव ढसाल थे, वात्स्यायन जी गए हुए थे उसमें। वात्स्यायन जी को मैंने वहाँ काव्य पाठ करते हुए सुना भारत भवन में, और वो मेरी स्मृति। हालांकि वात्स्यायन जी को मैं दिल्ली में लगातार देखता रहा। नामदेव ढसाल आए हुए थे वहाँ, सोमदत्त थे, बहुत सारे कवि थे वहाँ। तो मेरी पहली मुलाकात है, और चूंकि मैं एक बहुत ही अदना सा रिपोर्टर था और अभी भी अदना ही पत्रकार हूँ, तो अशोक जी से लेकिन एक जो पहली मुलाकात हुई उसमें वो तपाक से मिले, और खुद उन्होंने अपना जो है सो मुझे एक आत्मीयता के साथ बातचीत की, और वो मेरी पहली मुलाकात है। और फिर आके मैंने उसकी दिनमान में रिपोर्ट लिखी थी। तो वो जहां तक पाठक के रूप में है, उनका जो पहला जो संग्रह है शहर अब भी संभावना है, उसी कविताएं मैंने पढ़ी थी। और उनका जो आलोचना का संग्रह है फिलहाल, उसको भी मैंने पढ़ा था। उसने काफी उत्तेजक था वो। तो अशोक जी को शुरुआती दौर में मैं एक कवि के रूप में, जो उनकी बुनियादी पहचान है, फिर एक जो आलोचक के रूप में, और उसमें भारत भवन बन चुका था जब मैं उनसे मिला था, तो भारत भवन में ही गया था मैं। और मैंने भारत भवन में देखा कि कैसे वहाँ एक ऐसा संस्कृति परिसर है जिसमें कलाकार भी हैं और जिसमें नाटक भी होता है, जिसमें संगीत का कार्यक्रम भी होता है, साहित्य का कार्यक्रम भी होता है। उसमें वहाँ काम करते थे एक जो एक प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप में वैसे थे श्री विजय मोहन सिंह जी। तो विजय मोहन सिंह से भी मेरी पहली मुलाकात मेरी वहीं हुई, और बड़ी आत्मीयता के साथ विजय मोहन सिंह बात करते रहे। और सुबह उन्होंने मुझे चाय के लिए ही बुलाया, तो मैं उनके यहाँ गया था। तो वो सब चीजें हैं मेरे दिमाग में जो अभी तक मेरे दिमाग में खुबी हुई हैं। लेकिन मैं बताऊं कि अशोक जी का, इसके पहले कि मैं उनके संस्कृति वाले व्यक्तित्व पर चर्चा करूं, मैं ये शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि उनका जो आरंभिक योगदान हिंदी में था, आरंभिक लेकिन वो प्रक्रिया में आगे बनता गया, पर हिंदी में जो उनकी पहचान बनी थी, एक कवि के रूप में बनी और एक आलोचक के रूप में बनी,
और आलोचक के रूप में सिर्फ यह नहीं था कि उन्होंने एक मतलब कुछ आलोचनाएं लिखी हैं, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द है कैनोनाइजेशन, हिंदी में कहें तो प्रतिमानीकरण। तो जो नई कविता, खास करके अशोक जी का जो शुरुआती जो लेखन आलोचना में है वो कविता को लेकर के है, लेकिन कविता के अलावा उन्होंने और भी तरह के कैनोनाइजेशन किए, जैसे कि निर्मल वर्मा पर मेरे ख्याल से पहली किताब, अगर वो अशोक वाजपेयी ने संपादित की थी और वो पूर्वग्रह में उसके लेख छपे थे, वो ये अलग मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में बाद में हिंदी में वो बड़े कैनन राइटर हुए, और आज तो निर्मल जी एक हमारे बीच नहीं है और एक समादृत लेखक के रूप में है हिंदी साहित्य में। और हालांकि उनकी कहानियों पर पहले नामवर सिंह ने टिप्पणी की, लेकिन उसके बाद उनका जो बड़ा जिसको कहते हैं लेखकीय व्यक्तित्व उभरा, उसमें अशोक जी की बड़ी भूमिका रही है। और अशोक जी ने मतलब मैं साहित्य की चर्चा अभी कर रहा हूँ, बाद में संस्कृति की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूंगा। तो साहित्य में आलोचना और कविता के अलावा एक कैनोनाइजेशन जो अलग अलग फील्ड में होता है, मतलब सभी आलोचक कैनोनाइज नहीं कर पाते, सभी आलोचक प्रतिमान नहीं रच पाते, बहुत कम लोग ही प्रतिमान रच पाते हैं। तो अशोक जी उन लेखकों और आलोचकों में से हैं जिन्होंने हिंदी में एक प्रतिमानीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और जो साहित्य है जो उनके उनका समकालीन साहित्य था, उसके आप यहाँ से आप शुरुआत कीजिए कि हिंदी में पहचान सीरीज के जो कवि आए, कई कवि आए, रमेश अंसाह आए, विष्णु नागर आए, विष्णु खरे आए, ये सब की पहली जो पहचान सीरीज में जिस व्यक्ति ने कविताएं प्रकाशित हुआ अशोक वाजपेयी ने की, जब मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है, हालांकि मैं भूल भी सकता हूं, वो शुरुआत जब वो कलेक्टर थे मध्य प्रदेश के, शायद सरगुजा में थे, और अब तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में चला गया है, पर उसमें मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तो वहां से उसकी शुरुआत हुई थी। ये प्रक्रिया अशोक जी ने एक जिसको कहते हैं कि आरंभिक चरण में जब वो साहित्य में उनकी सक्रियता बढ़ी, उनका व्यक्तित्व तो बढ़ा, तो हिंदी में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो आज तक जो है वो उसको याद किया जाता है, मतलब समकालीन हिंदी साहित्य या आधुनिक हिंदी साहित्य कहें, या ये कहें कि 1970 के बाद का हिंदी साहित्य जो है उसकी जो केंद्रीयता में अशोक जी निरंतर रहे और आज भी हैं। मतलब लगभग 50-53 वर्ष का समय गुजर चुका है, और पूछा जाए कि इस 50-53 वर्षों में हिंदी का केंद्रीय व्यक्तित्व तो कौन है, वो अशोक वाजपेयी ही है। ये एक बात मैं शुरू में सिर्फ संस्कृति कर्म से की तरफ आगे बढ़ने के पहले आपसे कहना चाहता हूँ। जी अर्पण जी, अर्पण जी आप कुछ, ये तो मेरी बुनियादी टिप्पणी रही, आप हैं अभी इस पर या मैं अपनी बात जारी रखूं? बहरहाल मुझे लगता है अर्पण जी शायद अभी नहीं है, मैं अपनी बात जारी रख रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया रही। अब मैं आता हूँ जो आज का मुख्य विषय है हमारा, जो संस्कृति की दिशा में जो अशोक जी का अवदान रहा है वो बहुत बड़ा रहा है। मैं इसको जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी का शब्द हायरार्की, हायरार्की में नहीं बोल रहा हूँ कि साहित्य कर्म में उनका योगदान बड़ा है या संस्कृति कर्म में, दोनों समानांतर हैं। एक समानांतरता है उनके जिसको कहते हैं सक्रियता में विकसित हुए, साहित्य की पहली सक्रियता रही, उसके बाद जब वो मध्य प्रदेश कला परिषद के सचिव बने या उनके आया, फिर भारत भवन बना, भारत भवन बनने के पहले मध्य प्रदेश कला परिषद था, जिसकी पत्रिका पूर्वग्रह पहले मध्य प्रदेश कला परिषद की पत्रिका थी, फिर बाद में भारत भवन में आए, तो पूर्वग्रह से भी एक जो है कैनोनाइजेशन का और संस्कृति की चर्चा शुरू हुई। लेकिन जो संस्कृति का पक्ष है फिलहाल मैं उसी पर ज्यादा बोलूंगा, और उसके कई पहलू हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में हिंदी में जो सबसे केंद्रीय व्यक्तित्व तो हैं, जो निरंतर सक्रिय हैं, तो अशोक जी ही हैं, वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में, और ये सिर्फ उत्तर भारत की संस्कृति नहीं है, हिंदी प्रदेशों की संस्कृति नहीं है, एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कह रहा हूँ, वो भी अशोक जी की केंद्रीयता है उसमें और कई स्तरों पर है। शायद मैं अपने ये जो वक्तव्य है जो मैं लगभग 1 घंटा का दूंगा, उसमें एक
मेरी जो जानकारी है उसी के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि अशोक जी ने संस्कृति के जिन बड़े बड़े क्षेत्रों में, जिन विविध क्षेत्रों में काम किया है, वैसा भी कोई काम मुझे नहीं लगता है किसी दूसरे व्यक्तित्व ने किया है। वैसे तो अतिशयोक्ति भी एक साहित्य का ही एक अलंकार का एक गुण माना जाता है, लेकिन मैं अलंकार में नहीं बोल रहा हूँ। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 50 साल से जो मैंने पत्रकारिता की, ज्यादातर सांस्कृतिक पत्रकारिता ही की, और सांस्कृतिक पत्रकार होने के नाते मेरी जो दृष्टि है वो पूरे भारत में रहती है। हालांकि मैं सभी भारत की भाषाओं में नहीं जानता, लेकिन हिंदी प्रदेश में क्या हो रहा है, कन्नड़ा में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, मोटा मोटी बंगाल में क्या हो रहा है, इस पर मेरी नजर रहती है। और चूंकि मेरी सक्रियता थिएटर में भी रही है और कला में भी रही है, और थोड़ा बहुत संगीत सुनता रहा हूँ, नृत्य के बारे में मैं कम जानता हूँ और नृत्य में देखता भी बहुत कम हूँ। शायद मैं अपने जीवन में 25-26 बार से ज्यादा नृत्य नहीं देखे तो मैं, लेकिन उसमें भी अशोक जी ने जो जो उनका डांस का जो पूरा उनका जो जिस युवा प्रतिभाओं को उन्होंने आगे लाया है वो भी बड़ी बात है, लेकिन मैं अभी उसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि तो बड़ा विषय होगा और वो मेरा विषय नहीं है। संगीत के बारे में भी मेरी जानकारी, मैं एक बहुत ही अदना सा श्रोता हूँ, शायद पूरी तरह से रसिक भी नहीं हूँ, लेकिन संगीत के क्षेत्र में भी आप देखिए कि मल्लिकार्जुन मंसूर तो बड़े गायक रहे, इसमें कोई शक नहीं है, और लेकिन उनको उत्तर भारत में और खासकर भोपाल में ला करके एक अखिल भारतीय उनका जो पूरा उनका जो वलय बना, उसमें अशोक जी की बड़ी केंद्रीय भूमिका है। फिर कुमार गंधर्व पर तो उन्होंने कविताएं भी लिखी, कुमार गंधर्व पर भी जीवनी भी आने जा रही है, जो हमारे मित्र और अशोक जी के पूर्व सहयोगी ध्रुव शुक्ल लिख रहे हैं। और कुमार गंधर्व का जो पूरा उनका जो आलोक वलय बना है वो भी, उसमें भी अशोक जी की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जो उनकी बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं, बड़ी के अलावा बहुत बड़ी की बात मैं कह रहा हूं, वो 5-6 क्षेत्रों में है। एक तो देखिए भारत भवन बना और अशोक जी के उद्यम से ही बना, इसमें कोई संदेह नहीं है। और भारत भवन एक दीवार के रूप में, तो वो जिसको कहते हैं जो उसका भवन है या उसकी दीवारें हैं, उसकी एक बड़ी भूमिका रही है और आज भी है, आज भी लोग, लेकिन भारत भवन की उससे बड़ी भूमिका क्या है जो आज भी है। आज तो उसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार, वहां बहुत सारी पेचीदगियां हैं और वहां शायद ऑफिशियल जो सक्रियताएं हैं उस तरीके से उतनी प्रभावशाली नहीं रह गई है, मैं पूरी तरह नकार नहीं रहा हूं, लेकिन भारत भवन की जो बड़ी बात यह है कि देखिए आप कई राज्यों में जाकर के, सिर्फ मैं फाइन आर्ट की बात कर रहा हूँ, उत्तर भारत के किसी राज्य में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां बाहर के कलाकार जाकर के सिर्फ इसलिए जाएं आर्ट प्रैक्टिस में, मतलब तो जो पेंटिंग और आर्ट में है, क्योंकि वो एक माहौल है बन गया। जो भारत भवन नहीं भी जाते हैं वो भी भोपाल जाते हैं कि भारत भवन में क्या हो रहा है सीखने जाते हैं। ऐसी कोई संस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है, ऐसी कोई संस्था बिहार में नहीं है, झारखंड में तो बिल्कुल ही नहीं है, और राजस्थान में शायद यत्किंचित है, लेकिन उतनी बड़ी संस्था भी कोई नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और आज भी बहुत सारे, मैं अभी गया था भोपाल, साल में अक्सर अक्सर मैं जाता ही रहता हूँ, कुछ संयोग ऐसे बन जाते हैं, और भारत भवन में चला जाता हूँ, वहाँ कई अलग अलग जिसको मध्य प्रदेश कहीं नहीं, बाहर से भी कलाकार आके वहां जाते हैं, भारत भवन में माहौल देखते हैं, एग्जीबिशन देखते हैं, ये भारत भवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बड़ी उपलब्धि है, मैं करके बताया जाऊंगा, हो सकता है कि ये संख्या 15-20 तक चली जाए। देखिए हिंदुस्तान में जो मॉडर्न आर्ट है, ललित कला के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, उसकी कई सारी प्रॉब्लमेटिक्स हैं, यानी कि उस समस्या बड़ा है। मॉडर्न आर्ट हिंदुस्तान में जो है वो रिसेंट फेनोमेनन है, दरअसल जिसको हम मॉडर्न आर्ट कहते हैं, आधुनिक कला कहते हैं, वो तो अंग्रेजों के भारत में आने के बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि कुछ लोग इसको डेबटेबल मानेंगे, इसको इस पर
विवाद करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर हम ये मान लेते हैं। लेकिन मॉडर्न आर्ट की एक बड़ी समस्या, वो अलग मैं फिलहाल छोड़ देता हूं उसको, बड़ी समस्या क्या है मॉडर्न आर्ट की, एक जो एक माना जाता है एक शहरी एलीट का है, कुछ हद तक है, ये पूरी तरह सच नहीं है पर कुछ हद तक है। अब सवाल यह है कि ये जो प्रॉब्लमेटिक्स है कि मॉडर्न आर्ट पूरी तरह से शहरी वर्ग का या एलीट वर्ग का जो मीडियम बन गया था, हालांकि ये पूरी तरह सही है नहीं है, फिर से मैं कह दूं, उसमें जो मार्जिनलाइज है या जो हाशिए पर जो लोग हैं उसको मुख्य धारा में मॉडर्न आर्ट में कैसे लाया जाए। देखिए, इसमें भारत भवन की बड़ी भूमिका रही। जगदीश स्वामीनाथन जो बड़े पेंटर थे, बड़े कलाकार थे, और कलाकार से ज्यादा वो बड़े कला चिंतक थे, उन्होंने देखिए आदिवासियों को, जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को, अशोक जी के ही जो बनाया हुआ ढांचा था उसी के तहत हुआ, और कई आदिवासी कलाकार जो हैं, वो जनगण से श्याम तो बहुत ज्यादा मशहूर हुए, उनका निधन भी हो गया था, और आज बहुत सारे जो जनगण से श्याम के जो बिरादरी के लोग हैं, गोंड जिनको आदिवासी कहते हैं, आज गोंडों की एक पूरी बड़ी कलाकार श्रृंखला तैयार हो गई है। ये तैयार नहीं होती अगर भारत भवन नहीं होता, अगर अशोक वाजपेयी ने वो प्रक्रिया शुरू नहीं होती और स्वामीनाथन उसके केंद्र में नहीं होते। लेकिन यहाँ ये भी एक ध्यान रखने की बात है कि स्वामीनाथन के नहीं रहने के बावजूद या भारत भवन से श्री अशोक वाजपेयी का नाता टूट जाने के बावजूद वह प्रक्रिया अभी भी बरकरार है। वो राजा फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है। अभी पिछले साल मैं गया था, मंडला में गया था, जहाँ राजा उत्सव होता है हर साल, वहां भी बहुत सारे आदिवासी कलाकार आए थे, वो उनका वर्कशॉप हो रहा था और वो कलात्मक प्रक्रिया में वो भागीदारी कर रहे थे। तो आदिवासियों को भी आधुनिक कला से जोड़ने, और उसमें कुछ ऐसे आदिवासी सिर्फ गोंड नहीं थे, उसमें खरवार भी थे, तो आदिवासियों को आधुनिक कला की चेतना, प्रक्रिया के साथ, चेतना तो है ही, आदिवासी तो जन्मजात कलाकार होते हैं, लेकिन उनकी जन्मजात कला की जो क्षमता है, जो प्रक्रिया है, उसको पूरे कला समग्रता के साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया हुई है, वो भारत भवन, स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, ये सब की प्रक्रिया से अभी भी जारी है, अभी राजा फाउंडेशन के माध्यम से जारी है। और भूरी भाई को पिछले दिनों जो मिला था, पद्मश्री मिला, वो भूरी भाई कहाँ, वो भी भारत भवन ही आई थी। और मुझे देखिए, अब तो सरकार का जो है ललित कला एकेडमी वगैरह इंस्टीट्यूशन है, मैं ज्यादा सरकारी संस्थानों के बारे में नहीं बोलता, दूसरे लोग ही बोलते हैं, वो जो यंगर जनरेशन है, जो कला एक तो होती है प्रतिष्ठित कलाकार, और दूसरे होते हैं इंस्पायरिंग आर्टिस्ट, जो कलाकार बनने की जिनकी आकांक्षा होती है, उस प्रक्रिया में शामिल भी होते हैं, कुछ आर्ट वर्क कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कुछ खुद स्वशिक्षित होते हैं, पर उनको मंच कहाँ मिलता है। अभी भी राजा फाउंडेशन ने पिछले साल तक, मुझे नहीं जानकारी है कि इस साल वो प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, क्योंकि अभी तो इस साल शुरू हुआ है, पिछले साल भी राजा फाउंडेशन, जो अशोक वाजपेयी जी के जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी है, उसने कई 11-12 कलाकार थे जिनको मंच दिया, जो युवा लोग थे, और वो बड़े कलाकार युवा लोगों को मंच दिया कि आप अपनी कला को दिल्ली में प्रदर्शित कीजिए, त्रिवेणी में जो हॉल है उसमें उनके प्रदर्शन हुए, उनकी कलाओं के। ये बात जो है ये साधारण बात नहीं है। आज जो दिल्ली, जो बड़ी गैलरियां हैं, जो दिल्ली की गैलरियां हैं, वो यंगर जो आर्टिस्ट होते हैं, युवावस्था के जो कलाकार होते उनको बहुत मुश्किल से जगह मिलती है, मिलती भी है तो अब अगर आप युवा कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी प्रदर्शनियां करा रहे हैं, वे कला की बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है राजा फाउंडेशन की, अशोक वाजपेयी की, अशोक जी के बिना यह संभव नहीं होता। और मैं बताऊं आपको, मतलब ललित कलाओं में एक और बात है, आज अभी 2 दिन पहले यहाँ दिल्ली में एक सिरामिक आर्ट जो है, जिसका उसका एक पत्रिका का अभी लोकार्पण हुआ, उसके पहले अंक का जो संपादन है वो शंपा शाह ने किया है। शंपा शाह हमारे देश की एक बहुत बड़ी सिरामिक आर्टिस्ट हैं,
और हिंदी के एक बड़े दिग्गज लेखक श्री रमेश चंद्र शाह की पुत्री हैं। और रमेश चंद्र शाह साहब भी भारत भवन से लंबे समय जुड़े, अभी भी जाते हैं वो शाह साहब। तो खैर बाहर आ लिए, मैं अभी शाह साहब के बारे में बम बोलूंगा। वो संपा शाह ने एक पत्रिका अंग्रेजी में तैयार की है सिरामिक आर्ट का। अब सिरामिक आर्ट देखिए, मैं मेरी ये धारणा है कि अभी हिंदुस्तान में एक कलात्मक क्रांति जैसी चीज सिरामिक में हो रही है। इतने बड़े बड़े सिरामिक आर्टिस्ट उभर रहे हैं, सिरामिक आर्ट में इतनी गतिविधियां आ गई हैं, पेंटिंग से ज्यादा जो क्रिएटिव है। हालांकि ये थोड़ा सा जनरल स्टेटमेंट है, सरलीकृत स्टेटमेंट है, लेकिन इस सरलीकृत स्टेटमेंट में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम समझ सकते हैं क्या हो रहा है। तो भारत भवन एक सेरामिक आर्ट का भी बहुत बड़ा सेंटर था। स्वामी ने अशोक वाजपेयी के वक्त भी शुरू हुआ था। दरोज जो आज देश के एक बड़े सेरामिक आर्टिस्ट हैं, भी वहां, दरोज से भी मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई थी 1987 में, मैं आपको बताऊं। और उसमें तो बिल्कुल युवा थे, अभी भी अपने काम से युवा हैं, लेकिन उन्होंने एक माइलस्टोन पे कहा हुआ ये भारत भवन में हुआ, अशोक जी के ही जिसको कहते हैं जो बनाए हुए माहौल में हुआ। तो सेरामिक आर्ट की में इतनी बड़ी जो क्रांति हो रही है, और आप इंडिपेंडेंट हो गई है, भारत में भी, दिल्ली में भी, राजस्थान में भी कई ऐसे कलाकार हैं जो सेरामिक आर्ट को जो है वो नए, अब फंक्शनल नहीं है सेरामिक आर्ट। सेरामिक आर्ट था पहले फंक्शनल, यानी बर्तन बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, कप बना रहे हैं। सेरामिक आर्ट पिछले 15 वर्षों से फंक्शनल से ज्यादा वो हो गया है क्रिएटिव का, यानी कि उसमें अमूर्तन भी है, उसमें कई तरह की कल्पनाशीलताएं हैं और बहुत तरह की जिसको इंटरेक्शन हो रहा है। इसकी बुनियाद भी जो है सो भारत भवन में पड़ी, तो अशोक जी को इसका भी श्रेय देना पड़ेगा। और ललित कला की ही बात मैं करूं, मैं अभी थिएटर की बात नहीं करूंगा, मैं अभी फिलहाल ललित कला में की बात करूंगा। तो रजा साहब के बारे में, जिनकी शताब्दी शुरू भी हो गई है और चल ही रही है अभी, और उनकी प्रदर्शनी 13 फरवरी से फ्रांस में हो रही है, अपने दर्शकों को मैं बता दूंगी। और रजा साहब के काम की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी फ्रांस में 13 फरवरी से शुरू होने जा रही है। तो रजा साहब के काम को इतने बड़े पैमाने पर, जिसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित करना, रजा साहब तो प्रतिष्ठित थे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े कलाकार हैं, लेकिन यह भी एक समस्या है कि कलाकार जब नहीं रहते हैं, जब उनका निधन हो जाता है, तब उनके काम का प्रोजेक्शन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन रजा साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उनके काम का प्रोजेक्शन अभी भी जारी है। रजा साहब की 2 बायोग्राफी आ चुकी है हिंदी में, वो भी रजा फाउंडेशन ने जो है वो कमीशन किया था। एक तो जो हमें यशोधरा डालमिया ने लिखी है, जिसके बारे में मैंने लिखा था, और दूसरे जो भोपाल के चित्रकार हैं श्री अखिलेश जी, जो भी भारत भवन से जुड़े रहे हैं, राजा फाउंडेशन से भी जुड़े रहे हैं, उन्होंने अलग से भी एक किताब लिखी है। ये सब अशोक जी के ही इनिशिएटिव के ही परिणाम है। और एक तीसरी बात मैं करूंगा, मैं संक्षेप में जा रहा हूं, तीसरी बात मैं करूंगा बायोग्राफी, जीवनी। हिंदी में जीवनी तो आज के अगर आप 5-6 साल पहले के पीछे जाए तो हिंदी में जीवनियां बहुत ही कम लिखी गई। एक जीवनी जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी थी, उसकी बड़ी चर्चा है। कुछ और जीवनियां भी लिखी गई हैं, लेकिन रजा फाउंडेशन ने मेरे ख्याल से 15-20 जीवनियां जो है पिछले 5-6 वर्षों में प्रकाशित किए हैं, जो रजा फाउंडेशन ने कमीशन किए, लोगों को कहा। और उस प्रक्रिया में ज्ञानेन्द्र कुमार, रघुवीर सहाय, नागार्जुन, कई बड़े कलाकार, भूपेन खक्कर पर जीवनी तो नहीं है, सुधीर चंद ने नहीं लिखी है वो, लेकिन वो एक उनका आत्मीय, उनकी जिसको कहते हैं उन पर एक बड़ी अच्छी किताब है, जिसको अभी अमर उजाला का छाप सम्मान, शब्द सम्मान भी मिला है, और 30 तारीख को उसकी फंक्शन होने जा रही है, ये भी रजा फाउंडेशन ने कमीशन किया था। तो इतनी जीवनियां आई हैं और अभी लिखी जा रही हैं, कई जीवनियां लिखी जा रही हैं। तो जीवनी की विधा जो हिंदी में लगभग हाशिए पर थी, वो फिलहाल रजा फाउंडेशन और अशोक वाजपेयी के प्रयास से एक बहुत बड़ी विधा बन गई है। मैं केंद्रीय विधा तो नहीं कहूंगा, वो अतिशयोक्ति हो जाएगी और शायद सच्चाई, लेकिन क्योंकि इतनी जीवनियों का एक साथ होना, और बड़े बड़े लेखकों ने लिखा है, उसे रघुवीर सहाय की जीवनी जो है वो
विष्णु नागर जैसे बड़े कवि ने लिखी है, जो रघुवीर जी के कवि थे। तो ऐसे ही बड़े बड़े लोगों ने उनकी जीवनियां लिखी हैं, बड़े लेखक जीवनियां लिख रहे हैं। और उन जीवनियों में एक जिसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं, उसमें पूरा जीवन का वृतांत तो है ही, लेकिन साथ साथ बहुत कुछ जो है वो ऐसा है जो आप नई चीजें मालूम हो रही है। जयशंकर प्रसाद पर जो जीवनी लिखी गई है, बहुत सारी चीजें मैं जयशंकर प्रसाद के बारे में नहीं जानता। सत्यदेव त्रिपाठी ने लिखी है, हालांकि उस जीवनी से मैं थोड़ा सा, मेरा जो उसमें एक बतौर पारसी थिएटर्स को लेकर के उनके जो स्टेटमेंट है उससे मैं ना इत्तफाकी रखता हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो हिंदी में एक चलन पड़ गया है, जो सिर्फ सत्यदेव त्रिपाठी का नहीं है बल्कि पूरे हिंदी एकेडमिक्स जगत का है, कि वो पारसी थिएटर को थोड़ा सा ऐसा मान लेते हैं जैसे कि वो बहुत गलत चीज थी। ऐसा नहीं है, ये हिंदी एकेडमिक का प्रॉब्लम है, हिंदी एकेडमिक जगत का प्रॉब्लम है। हिंदी एकेडमिक जगत में अभी भी पारसी के नाटक पढ़ाए नहीं जाते हैं। क्यों नहीं पढ़ाए जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो कुछ उसका वो थोड़ा सा मुझे लगता है, वो जो हिंदी अकादमिक में ये जो एक पूर्वग्रह है, कुछ उसका उस पर भी असर पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद वो जीवनी बहुत अच्छी है। और तो जयशंकर प्रसाद की जीवनी लिखी गई है, और जिनके बारे में मैंने पढ़ा बहुत सी बातें, मैं प्रसाद के बारे में नहीं जानता था उसमें। और मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदी जगत भी उसके बारे में, उस जीवनी के माध्यम से बहुत कुछ जो है सो। तो संगीतकारों पर जीवनियां आ रही हैं, और कुछ जीवनियां अंग्रेजी में भी आ रही हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी ऐसी बायोग्राफीज लिखे जा रहे हैं। तो ये एक जिसको जीवनी का लेखन है वो तो एक बहुत बड़ा योगदान है। हाल के वर्षों में हिंदी में इतनी जीवनियां आई हैं कि उनको पढ़ना थोड़ा किसी के लिए, मैं उसमें ज्यादातर पढ़ चुका हूँ या कुछ। अब चंडी प्रसाद भट्ट पर एक किताब आई है, आप देखिए, राजा फाउंडेशन ने अभी पब्लिश किया है। वो चंडी प्रसाद भट्ट को, जो हमारे बहुत बड़े पर्यावरण के बहुत बड़े अग्रणी व्यक्तित्व रहे, और उनके पर एक किताब आई है। तो ये जो है, ये राजा फाउंडेशन का जो काम है हालिया वर्षों का, ये अपने ये जिसको कहते हैं कि ऐसा कोई संस्थान नहीं कर पा रहा है। मतलब हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा मैं नहीं देखता फाउंडेशन जो किसी आर्टिस्ट के नाम पर हो और इतनी सारी चीजें कर रहा हो, और इतनी विधाओं में कर रहा हो, इतने क्षेत्रों में कर रहा हो। तो अशोक जी की ये बहुत बड़ी भूमिकाएं हैं, और मुझे लगता है कि इसके बारे में हिंदी सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं, हिंदी जो संस्कृति है, हिंदी भाषी क्षेत्र। अब देखिए, मैं अभी गया था छत्तीसगढ़, गया था, वहां एक पंडवानी फेस्टिवल था। हमारे मित्र नवल शुक्ल ने वो किया था, और वो झाड़ूराम देवांगन जो पंडवानी के बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, और दो ही बड़े व्यक्तित्व हुए, हालांकि अब पंडवानी के बहुत सारे कलाकार हैं, पर पंडवानी को ये सो कहते हैं कि एक बीच विमर्श में लाने की, उसमें अशोक जी की बड़ी भूमिका रही है। झाड़ूराम देवांगन का जो पहला कार्यक्रम हुआ था वो अशोक जी के ही और इनिशिएटिव में वो हुआ था, जहां तक मेरी जानकारी है। तो पंडवानी जैसी लोक विधा जो क्लासिकल भी नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ की केंद्रीय विधा है, वो अगर कला विधा परफॉर्मिंग आर्ट का, तो झाड़ूराम देवांगन अगर पंडवानी पर उन पर वो कार्यक्रम न हुआ होता तो शायद उस समय, गायक तो बड़े थे ही पंडवानी के, बड़े वो बड़े उनकी बड़ी केंद्रीय भूमिका रही, लेकिन पंडवानी प्रसंग जो किया था अशोक जी ने वहां भोपाल में, उससे झाड़ूराम देवांगन का, न सिर्फ झाड़ूराम देवांगन पंडवानी का, क्योंकि पंडवानी उस समय तक जो थी वो पूनाराम निषाद थे, उनके बारे में लोग जानते थे, लेकिन वो उस तरह से उतनी बड़ी विधा है छत्तीसगढ़ की, इसकी जानकारी लोगों में नहीं थी। वो लोकल लेवल पर परफॉर्मेंस होते थे, उसके गाँव में होते थे, लेकिन उसको अखिल भारतीय कला मंच पर प्रतिष्ठित करने का जो है, और पंडवानी की तो तीजन बाई वगैरह सब इंटरनेशनल हो गई है, पंडवानी वाइज इंटरनेशनल है। तो ये सब उसको जो पुख्ता आधार मिला वो अशोक जी की बड़ी भूमिका रही है। और मतलब अब नाटक की बात कीजिए, हबीब साहब पर हुआ ही, कारण जी ने भारत भवन में, आप मान लें भारत भवन में एक, हालांकि वो सिलसिला कुछ रुक गया, ट्रेजेडी हुई कारण जी के साथ,
लेकिन वहां पर भारत भवन का जो रंगमंडल था अपने जमाने में बड़ी भूमिका रही उसकी। मध्य प्रदेश के आप जाइए अभी, मध्य प्रदेश के जितने बड़े बुजुर्ग अब तो कुछ उसमें दिवंगत हो चुके जो नाट्य निर्देशक और वो सब भारत भवन के रंगमंडल में थे। तो भारत भवन का रंगमंडल जो है वो एक सशस्त्र रंगमंडल था और बीबी कारण जी ने वहां पर जो है वो बुंदेली में आपको नाटक किया उन्होंने। जो हबीब साहब ने तो खुद अपने अभियान से छत्तीसगढ़ी में किया था, हालांकि उसको उनको भी अशोक जी ने काफी, और अशोक जी का जो लेख है हबीब तनवीर साहब पर उन पर पढ़िए आप, लेकिन कारण जी ने खड़ी बोली के अलावा बुंदेली में भी नाटक किया था और भारत भवन रंगमंडल के लिए। तो ये इतनी बड़ी चीजें हैं। और आप भारत भवन का रूपांकन देखिए, आप कोई भी जाएंगे इतनी बड़ी अच्छी गैलरी जिसमें भारत की तमाम आधुनिक कलाओं, भारत की आदिवासियों की कलाओं, इसका जो विशाल संग्रह है भारत भवन में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिल्ली में नहीं मिलेगा। दिल्ली में कोई ऐसी गैलरी नहीं है, और जहां तक मेरी जानकारी है हिंदुस्तान में भी नहीं है। कर्नाटक में ही जाता रहता हूँ, बंगाल में भी जाता रहता हूँ। बंगाल में बहुत सारी चीजें हैं और बंगाल का जो है उसको कोई, मैं उसको छोटा नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ा है और उसकी पूरी प्रक्रिया है, लेकिन मैं सरकारी संस्थान की बात कर रहा हूँ। ऐसी कोई गैलरी नहीं है, क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, जो भारत भवन का रूपंकर है। और देखिए ये जो स्वामीनाथन थे वो भारत भवन के साथ जुड़े थे, लेकिन स्वामीनाथन के व्यक्तित्व का जो प्रसार हुआ, जो विकास हुआ, जो उनकी आवा फैली, उसके पीछे भी अशोक जी उनको लेके गए थे वहां। मैं स्वामीनाथन पर जो जीवनी लिखी है हिंदी के वरिष्ठ कवि और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ल जी ने, वो भी इसी बायोग्राफी सीरीज के तहत आई है, उसको भी पढ़िए आप कैसे वहां स्वामी ने काम किया। मैं स्वामी के इंटरव्यू देखिए जो पूर्वग्रह वगैरह में आए रहे हैं। तो इतना बड़ा एक वलय है अशोक जी के काम का, अशोक जी की सक्रियता का, जो साहित्य के अलावा संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में है, वो अपने आप में जिसको कहते हैं कि ईर्ष्णीय है, उससे ईर्ष्या ही कर सकता है कोई। और मैं तो एक अदना सा जिसको कहते हैं कि सांस्कृतिक पत्रकार और लेखक हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अशोक जी ने खुद लिखने के अलावा जो किया है, जिसके पीछे वो प्रेरणा रहे हैं, और जिसके पीछे एक भारत भवन जो था, वो भारत भवन सिर्फ एक संस्थान नहीं था, भारत भवन ने हिंदी को एक अंतरराष्ट्रीय फलक से भी जोड़ा था, और तो वहां विदेशी कवियों का, विदेशी कवि भी वहां आते थे। हालांकि उसमें मध्य प्रदेश का जो पूरा माहौल था उसमें विश्व कविता करा लेना आज की तारीख में आपको आश्चर्य ही लगता है कि ऐसा कैसे हो, क्योंकि तो हिंदी में अभी भी जो है वो एक जिसको कहते हैं स्थानीयता की संस्कृति बहुत हावी रहती है। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो स्थानीयता कई बार अंतर्राष्ट्रीयता के विरोध में भी होती है, जबकि होना ये चाहिए कि आप स्थानीयता को भी बरकरार रखें और अंतर्राष्ट्रीयता या सार्वदेशिकता के साथ भी तालमेल, तभी संस्कृति विकसित होती है, तभी आपकी संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी जब आप अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को भी अपने साथ स्वीकार करेंगे। तो ये सब चीजें हैं। अर्पण जी आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप कुछ और अगर पूछना या जानना चाहें तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। अर्पण जी जी, मैं जुड़ा हुआ और काफी अच्छा लग रहा है। इन इन सब बातों को विस्तार में जानना, क्योंकि आप लगातार इन यात्राओं में हैं और इन कला संस्थानों के साथ आप गहरे जुड़े हुए हैं, और एक तुलनात्मक अध्ययन भी हमारे समक्ष आ रहा है। और जिस तरह से अशोक वाजपेयी जी ने आपने शुरुआत में भी यह बात कही ही कि लेखकों के लिए या कलाकारों के लिए एक के बाद एक कई उपक्रम करते रहे और भारत भवन तक ही नहीं रुके, आज रजा न्यास के माध्यम से या कृष्णा सोबती और शिवनाथ निधि, जो एक और साथ में एक उपक्रम चल रहा है, उसके माध्यम से भी कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। जीवनियों की भी यहाँ पर चर्चा हुई कि किस तरह से वे आगे बढ़कर तमाम विधाओं में और अनुशासनों में जो महत्वपूर्ण लोग रहे हैं उन पर
जीवनियां आ सके इसकी पूरी कोशिश उनकी ओर से होती है, और जो उनसे जुड़े हुए सक्षम लेखक हैं उनको यह काम दिया जाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हम जान रहे हैं। यहां पर मुझे लगता है कि एक आध अंश मैं पढ़ता हूं, कैसे वे हमारे बीच लिखने पढ़ने की भी जो अलख है उसको जगाए हुए हैं। आपने स्वयं अभी कई ऐसी जीवनियों की चर्चा की जिनसे आप गुजरे, जिनको आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके, और कई ऐसी बातें, कल हमारे साथ शिल्पकार भी आए हुए थे मदन लाल गुप्ता जी, उन्होंने भी बात की उन कलाकारों की जिनकी जीवनी रजा फाउंडेशन के माध्यम से संभव हुई। तो ऐसे में जो एक पुस्तकों को लेकर लगातार अशोक वाजपेयी जी के यहाँ हम एक जो आग्रह देखते हैं वह भी बड़ा मतलब प्यारा है, और बतौर लेखक उन्हें इसका एहसास भी है कि ये सब काम करते हुए कहीं ना कहीं उनका कवि या उनका आलोचक प्रभावित होता है, वे मगर इससे मुक्त नहीं होते, शायद होना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये जो झंझटें हैं ये झंझटें भी हैं, लेकिन इन झंझटों में वह उत्तरदायित्व का बोध भी है। कई बार हम पढ़ते हैं, ये मेरे पास कभी कभार के तमाम खंड मेरे सामने हैं, तो वहां उनके भीतर संस्कृति को लेकर हिंदी समाज या भारतीय समाज में जो उदासीनता है, या बड़े बड़े कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति कम होती है, इन सब पर भी नजर है, या सरकारी उदासीनता भी एक बड़ा कारण है जिससे वे परेशान होते हैं, मगर फिर उन्हें यह भी लगता है कि सिर्फ निराशा की बात कर देने से बात नहीं बनेगी, जहां संभव होता हो वहां हम आगे बढ़कर अपनी ओर से कुछ कहें। तो यह कोशिश भी लगातार हमें उनके जीवन में दिखाई पड़ती है। तो यह जो लेखक होने की झंझटें हैं इसको भी बखूबी समझते हैं, इस नाम से उनका एक आलेख भी है कभी कभार में, और बतौर संस्कृति कर्मी कहीं ना कहीं अपने लेखक को एक तरफ रखते हुए उन तमाम कलाकारों से जो जुड़ने की आगे बढ़कर प्रोएक्टिव रूप से जो कोशिश है वह भी बहुत खास है। इसकी बात हमारे इसी कड़ी में पहले वक्ता अष्टभुजा शुक्ल जी ने भी कही कि आगे बढ़कर लोगों से मिलने का जो अपना एक आग्रह है वह हम उनमें पाते हैं। मदनलाल गुप्ता जी ने भी ऐसी कई बातें की, और आज भी हम आपके माध्यम से उन तमाम बारीकियों में जा रहे हैं एक एक करके। यही उद्देश्य भी है रविंद्र जी किसी एकाग्र को, कि हम उसके बहाने से ये जो सारी चीजें हो रही हैं, चाहे वह पुस्तक को कमीशन करने का काम हो, या तमाम जो दूसरे आयोजन हैं नृत्य के, संगीत के, या पेंटिंग प्रदर्शन के, इन सब के काम हो, तो वह एक एक कर चीजें आती रहें यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो और कुछ इस अवसर पर बात को आगे बढ़ाएं, कुछ और ऐसी बातें करें। देखिए हाँ देखिए, ऐसा है अर्पण जी, अभी जो मैंने बात की वो थोड़ी सी बात की साहित्य के बारे में, उनका जो अशोक जी का साहित्यिक पक्ष है जिस पर और लोग बोलेंगे, मैंने तो सिर्फ एक प्रारंभिक सा वक्तव्य दिया। मैंने थोड़ी सी विशद चर्चा ललित कलाओं के संदर्भ में की, मैं थोड़ा सा अब जाऊंगा संस्कृति के दूसरे जो पहलू होते हैं। तो संस्कृति का एक पहलू तो जो जिसको कहते हैं पारिभाषिक शब्दावली में ललित कलाएं, नृत्य, संगीत, जिसके बारे में हमने चर्चा की थोड़ी सी अभी, हालांकि वो भी इतना विशाल है कि मैं अकेला नहीं बोल सकता, और भी बहुत से लोग हैं, और वो उतना बड़ा काम है कि उसको आप कई दिनों तक करें तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन संक्षिप्त में चर्चा कर रहा हूँ। संस्कृति का एक और जो पहलू है वह है बौद्धिक माहौल। मैं थोड़ा दो चर्चा उस संदर्भ में करूंगा, और आपने जो अभी अंश पढ़ा ना वो अशोक जी का, मुझे लगता है कि वो उनका बार बार जिसको कहते हैं कि वो आता है टेक की तरह, वह है निराशा के कर्तव्य, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा था उसकी वो बात अक्सर करते हैं। तो निराशा में भी जो कर्तव्य होते हैं कैसे करते हैं वो किया जाना चाहिए। तो बहरहाल मैं दो बौद्धिक चीजों की ओर, रजा फाउंडेशन की ओर से हाल में
जो आज भी राजा फाउंडेशन का एक कार्यक्रम था जिसमें कल्चरल कोलैप्स पर एक व्याख्यान दिया सदानंद मेनन ने, जो बड़े देश के मशहूर जिसको कहते हैं कि कल्चरल जर्नलिस्ट रहे हैं, कल्चरल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, वो बहुत अच्छे लाइट डिजाइनर भी हैं, और जिसको कहते हैं मॉडर्न जो डांस है उसके भी बड़े आचार्य हैं वो, और मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हालांकि वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, लेकिन सदानंद का व्यवहार मेरे प्रति भी मित्रतापूर्ण रहा है, और आर्ट टीचर भी हैं, और बहुत अच्छा व्याख्यान दिया उन्होंने कल्चरल कोलैप्स पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। ये भी एक देखिए, इस तरह के आयोजन भी जो है ना, वो आर्ट मैटर्स की तरह अशोक जी ने बहुत सारे दिल्ली में लगातार राजा फाउंडेशन करता रहता है, और इसमें जो भागीदारी रहती है लोगों की वो ठीक ठाक रहती है, ऐसी बात नहीं है कि वो कम रहती है, मतलब जो जितने, क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपको लाख दो लाख, हमेशा नहीं सुनते, ये जो है कई बार जिसको लाखों लोग कहा जाता है वो भी से अधिक शायद महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसे लोगों के बीच में अपनी बात का बीज रोपण कीजिए जिसका जो लेखक कलाकार होते हैं, और बाद में उनका विस्तार हो उनके सोच में, उनकी 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 लेखनी से। तो जो आर्ट मैटर्स के जो कार्यक्रम रहे हैं जिसमें कई लेखकों कलाकारों ने बातचीत करते रहे, अभी भी वो होती है, वो भी एक है, और 2 दिन के बाद भी जहां तक मुझे याद है एक हमारे मित्र हैं विमल कुमार, वो भी कुछ जो लेखकों की पत्नियों पर उन्होंने कुछ आयोजन किया है, उनका राजा फाउंडेशन के साथ कोलाबोरेशन है 21 तारीख को, वो भी बड़ा, उसमें मैं जाऊंगा, अभी उसके बारे में नहीं बोलूंगा, पर वो भी एक अच्छा आयोजन है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो हुई है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, वो जो अभी जितना मैंने चर्चा के साथ उससे भी बड़ी बात है, अशोक जी का एक बहुत ही, और उनका एक केंद्रीय है अक्सर उनके भाषणों में, लेखनी में, कभी कभार में, है कि जो हमारा समाज है, भारतीय समाज भी है और जिसमें हिंदी भाषी समाज भी है, स्मृतिहीनता का शिकार हो रहा है, स्मृति गायब हो रही है। लेकिन इतने कह देने से तो बात बनती नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट हुआ कि स्मृति गायब हो रही है, लोग हम स्मृतिहीन हो रहे हैं, ये तो एक स्टेटमेंट है, इससे क्या निष्कर्ष निकलना चाहिए? निष्कर्ष यह निकलता है कि हम स्मृतिहीनता का जो पूरा व्यापार निकल रहा है, व्यापार है जो चल रहा है, और जो बड़े औद्योगिक घरानों, शासन तंत्रों, इस सब के दुरभिसंधि से हो रहा है, उसमें कैसे स्मृति को बचाए रखें। तो मेमोरी स्टडीज तो देखिए हिंदुस्तान में तो शायद पुणे वगैरह में कुछ जिसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है, हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में तो मेमोरी स्टडी होती नहीं है, लेकिन पश्चिम के देशों में मेमोरी स्टडी जो है, स्मृति का जो अध्ययन होता है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में भी, शायद सरकारी विश्वविद्यालय में शुरू हो। अभी तक तो मुझे जानकारी है कि सिर्फ पुणे में एक लिबरल यूनिवर्सिटी है, वहीं ये शुरू हुआ है, लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि स्मृति को कैसे बचाया जाए और उसके लिए क्या सक्रियता की जाए। तो एक तो ये भी है जो बायोग्राफी वगैरह लिखवाए जा रहे हैं, जो जीवनियां लिखवाई जा रही है, पर गांधी पर जितने आयोजन किए अशोक जी ने राजा फाउंडेशन के माध्यम से, उसको मैं अत्यंत ही महत्वपूर्ण, और शायद ये मेरा वक्तव्य जो है वो कुछ शायद इसको बहुत से लोग स्वीकार न करें, पर मुझे लगता है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी स्मृति को न उनकी स्मृति को नहीं, उनके काम को, उनके योगदान के, उनके विचार को, समाज को लगातार उसकी अलख जगाने का जो काम अशोक जी ने किया है, गांधी मैटर्स पर अक्सर कार्यक्रम होते थे और अभी भी होते हैं, पता नहीं अब इस बार अब तो 150 से ज्यादा हो चुका महात्मा गांधी का लो, लेकिन पिछले साल तक होते रहे थे, और बड़े बड़े विद्वानों ने गांधी को लेकर के, जो इसमें राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय विद्वान हैं, जो अध्येता हैं महात्मा गांधी के सोच, उनकी प्रक्रिया, उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व, उनके लेखनी, इस सब पर जितने तरह के आयोजन राजा फाउंडेशन के माध्यम से हुए, अपने आप में बेमिसाल है। मतलब महात्मा गांधी हमारे देश में उनको विस्मृत करने की कोशिश भी की जा रही है, बड़े शातिर तरीके से हो रहा है, जबकि गांधी जैसा व्यक्तित्व जो है,
वह हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में नहीं हुआ। मॉडर्न वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वैसा व्यक्तित्व तो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। और गांधी का जो व्यक्तित्व है उसका प्रसार हिंदुस्तान से कम तो अभी पूरी दुनिया में हो रहा है। गांधी स्कॉलर्स हिंदुस्तान में शायद कम बचे हैं, पूरी दुनिया में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में जो मौजूदा तंत्र है, जो ताकतवर है, वो गांधी को प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहता है, लेकिन अप्रत्यक्ष जो गांधी विचार हैं, और जो केंद्रीय विचार क्या है गांधी का, गांधी का केंद्रीय विचार सिर्फ दो है, दरअसल एक ही है, सत्य और अहिंसा। और अहिंसा भी उनके लिए सत्य है, और सत्य ही अहिंसा है। तो ये सत्य और अहिंसा, अगर इनको फिलहाल उपयोगी दृष्टिकोण से दो मान लीजिए विचार, तो सत्य और अहिंसा पर ही सबसे ज्यादा प्रहार हो रहा है अभी भारत में। वैसे पूरी दुनिया में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं है, पूरी दुनिया में भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रूस क्या कर रहा है यूक्रेन पर, ये भी उसी प्रक्रिया में है, तो हिंसा की। लेकिन इसके बावजूद यह भी मानना पड़ेगा कि गांधी के विचार की सार्थकता या प्रासंगिकता, जिसको हम क्लिशेड लैंग्वेज में बोलते हैं, वो लगातार बढ़ रही है। तो गांधी से आप दूसरे विचारकों की मैं अवमानना नहीं कर रहा हूं, सब बड़े विचारक हैं, मार्क्स हो या और भी हो, लिंकन हो, लेकिन महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व और विचार है उसका कोई सानी पूरी दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं है। शायद हम पूरी दुनिया में जाएं, मतलब पूरी दुनिया का इतिहास देखें, तो शायद दो व्यक्ति और हों, एक बुद्ध, दूसरे महावीर। बल्कि ऐतिहासिक कालक्रम से महावीर का नाम पहला होगा और बुद्ध का नाम दूसरा होगा। इतना बड़े फलक पर इन लोगों ने मनुष्य के, और जिसको कहते हैं मानव जीवन के, जिसमें प्रकृति भी शामिल है, उसके बारे में जितना सोचा किया, उतना तो कोई व्यक्तित्व तो हुआ नहीं। लेकिन जिस देश में गांधी हुए और जिस देश में बुद्ध हुए, जिस देश में महावीर हुए, उनके विचारों के साथ आज क्या हो रहा है। तो खैर, ये भी ये सवाल भी अपनी जगह है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या कर रहे हैं गांधी के विचारों को और गांधी के व्यक्तित्व को बचाने के। तो उसका एक, जिसको अशोक जी ने लगातार गांधी मैटर्स, गांधी विचार श्रृंखला को जो चलाया, वो एक बहुत बड़ी भूमिका उसकी रही है। ये भी सांस्कृतिक योगदान ही है। ऐसा नहीं है कि ये संस्कृति सिर्फ पेंटिंग या म्यूजिक या डांस या लिटरेचर ही है। संस्कृति का जो क्षेत्र है ये भी बड़ा है कि आप अंततः जो बड़े मानवीय मूल्य हैं, जो सार्वयुगीन मानवीय मूल्य हैं, जो ऐतिहासिक क्रम में भी सार्वयुगीन है और सार्वकालिक भी है और सार्वयुगीन भी है, उनको बचाए रखने के लिए, उस विचार प्रक्रिया को बचाए रखने के लिए जो प्रयास चल रहा है अभी, अशोक जी की उसमें बड़ी भूमिका है। और इसको इसको मैं तो बहुत बड़ा मानता हूँ उसको। और मैं तो कई बार ये भी बोल देता हूँ, हालांकि शायद ये बहुत ऑथेंटिक वक्तव्य नहीं हो, लेकिन मन में कई बार आता है कि ये जो गांधी वाला जो उनकी प्रक्रिया है, बहुत बड़ी चीज है, ये अनपैरेलल्ड है। जी अर्पण जी, और कुछ आप पूछे। कि इस अवसर पर रविंद्रनाथ ने और जो उनका इसी कभी कभार का एक हिस्सा है, वह मुझे यहाँ पर लग रहा है कि उसकी बात की जाए। वे तमाम उन पहलों की बात करते हैं, सरकारी संस्थानों की जो अपनी समस्याएं हैं और सीमाएं हैं, इसको हम सभी जानते समझते हैं। उसके बरक्स वे जो निजी पहल है जिसमें रजा फाउंडेशन और तमाम निधियां शामिल हैं, तो उस पर भी एक बार उन्होंने लिखा था कि निजी पहल का क्या महत्व हो सकता है अपने देश में। तो वह हिस्सा मैं पढ़ता हूं, कभी कभार में जी ही उन्होंने यह टिप्पणी की थी निजी पहल नाम से ही। वे लिखते हैं कि कलाओं और साहित्य की अस्थिर और अनिश्चित आर्थिकी बदल सकती है अगर उसके लिए सरकार और उसकी संस्थाओं पर निर्भरता कम हो जाए। और निजी क्षेत्र जो इधर खासा फल फूल रहा है, ये जब लिख रहे थे उस समय की बात है, अपने साधनों का एक छोटा सा प्रतिशत साहित्य और कलाओं के संवर्धन में लगाने का संकल्प कर ले। भारत में ही इसके कई उदाहरण मौजूद हैं। कभी कभार चूंकि अलग अलग समय में लिखी गई टिप्पणी है, तो हम
समय की उस स्थानिकता को ध्यान में रखकर ही इस टिप्पणी को ग्रहण करें, यही उचित होगा। वे लिखते हैं कि टाटा परिवार के सर रतन टाटा ट्रस्ट, दोराबजी टाटा ट्रस्ट, भारतीय ज्ञानपीठ, के बिरला प्रतिष्ठान, बिरला एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, अक्षर निरासन, पृथ्वी थिएटर, संस्कृति प्रतिष्ठान आदि सहज ही इस सिलसिले में याद आते हैं। वे आगे लिखते हैं कि इधर के वर्षों में ललित कलाओं के क्षेत्र में निजी पहल की लगभग निर्णायक भूमिका हो गई है। आधुनिक भारतीय कला की ओर इन दिनों अंतरराष्ट्रीय हलकों और बाजार का जो ध्यान गया है, उसके पीछे मुख्यतः इसी निजी पहल की सक्रियता रही है। आधुनिक भारतीय कला के मूल्य और गुणवत्ता में जितना विश्वास निजी क्षेत्रों में जाहिर हुआ है, उतना सार्वजनिक धन से पोषित संस्थानों में नहीं। समकालीन कला की विचित्रताओं, विद्रूप और निसंकोच और निर्भीक प्रयोगों के प्रति भी निजी संस्थानों ने अधिक ग्रहणशीलता दिखाई है। और फिर वे एक जयपुर के भरूका चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम को कोट करते हैं और लिखते हैं कि उनके उत्साही उद्यमी डॉक्टर अशोक अग्रवाल द्वारा यह संस्था पोषित है, जो अपने इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट के हरे भरे और सुनियोजित परिसर में एक कलाकार शिविर कला आवास नाम से आयोजित किया गया। एक कार्यक्रम की बात फिर आगे रपट पे आ जाते हैं, जिसमें पेरिस से आए रजा, विश्वनाथन, नादीन और मेतेई जैसे कलाकारों के अलावा जी आर इरन्ना, अखिलेश, मनीष पुष्कले, जयकृष्ण अग्रवाल आदि के साथ साथ कोरिया, नीदरलैंड आदि के कलाकारों ने हिस्सा लिया। सुदूर शिलोंग, गोवा आदि से भी कलाकार आए। और इस तरह से कई और बातें की गई, तो इस पर भी कुछ आप बात करें, चूंकि आप स्वयं लंबे समय से कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और तमाम वेदिकाओं में और केंद्रों में आ जा रहे हैं। यह जो निजी पहल है और सरकारी पहल है, इसको लेकर आपके क्या अनुभव है, आपकी क्या दृष्टि है रविंद्र जी? इसके पहले मैं इसके बारे में बोलूं, मैं एक दो छोटी छोटी जानकारियां आपके दर्शकों को दे बता दूं कि कभी कभार जो स्तंभ अशोक जी का रहा, वो शुरुआत हुआ था उसका, उसकी शुरुआत हुई थी नई दुनिया से, जब वो सच में कभी कभार ही लिखा जाता था। लेकिन वही स्तंभ बाद में जनसत्ता में भी चला, अब तो और भी जगह वो बाद में आया, लेकिन जनसत्ता में भी वो मेरे सामने ही शुरू हुआ। और जब वो शुरू हुआ, जो जिस किताबें पेज पर शुरू हुआ, तो एक लंबे समय तक, 1 साल तक उसका पहला पाठक मैं ही हुआ करता था, क्योंकि वो आता था और मैं भी उसमें उसमें उस पेज को, जिसको सो कॉल्ड प्रभारी कहते हैं, वो मैं ही था। तो ज्यादातर चीजें उसको बनवाना, पेज बनवाना, तो वो तो कभी कभार, कभी नहीं रहा बल्कि हर हफ्ते वाला। लेकिन नाम कभी कभार, अब एक बार नाम चल जाता है वही होता है, तो अब उसका क्या कहेंगे। तो कभी कभार नियमित रहा, और ये उसकी बड़ी। पर अब बात होती है, अशोक जी ने जो कहा है, मुझे लगता है सहमत हूं मैं इससे। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारी सरकारें, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल है और राज्य सरकारें भी शामिल है, वो संस्कृति या साहित्य को लेकर के, साहित्य का तो माना जा सकता है कि साहित्य सरकार से साहित्य नहीं होता है, साहित्य अंतः प्रेरणा से होता है और साहित्य लिखा भी जा रहा है, लेकिन ललित कलाएं वगैरह ऐसी चीज है जिसमें एक सांस्थानिक सहयोग या उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्योंकि जो ललित कला है ना, चाहे वो आप पेंटिंग रख लीजिए, चाहे वो सेरामिक्स रख लीजिए, चाहे वो इंस्टॉलेशन है, उसका जो पूरा तंत्र है, उसको बनाने, प्रदर्शित करने से लेकर के बिकने तक का, वो अगर संस्थान में सहयोग न दें उसको, तो वो संभव नहीं हो पाता है, वो टूट जाता है कुल मिलाकर। मैं बताऊं आपको कि ये बहुत पुराने सोवियत संघ में जो है, हालांकि उसकी चर्चा करना यहाँ बहुत उचित नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ प्रसंगवश बता रहा हूं कि जो ललित कलाओं की जो स्थिति बाद में हो गई थी, बाद में वो बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि सरकार का नियंत्रण बढ़ गया था बहुत। तो एक तरफ तो नियंत्रण बहुत बढ़ जाता है, वो भी गलत होता है, दूसरी उदासीनता जो हिंदुस्तान में है,
जो मध्य प्रदेश में थोड़ी बहुत रही, अभी भी बल्कि थोड़ा सा भारत भवन की वजह से थोड़ा सा है अभी वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, देखिए जो 8 कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ, वो भी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपनी कल्पनाशीलता और अपना जो उनकी जो बड़ी भूमिका रही है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो 8 कॉलेजेस हैं, जो कला महाविद्यालय हैं, वो भी कल्पनाहीनता के शिकार हो गए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो ललित कला है उसमें इतनी विविधताएं आ रही हैं, उसकी थोड़ी सी जानकारी अगर आप पढ़ते रहें, कुछ विदेशी समाचार पत्र पढ़ते रहें, इतने बड़े पैमाने पर चीजें हो रही हैं कि लगता है कि हिंदुस्तान में ये हमारी संस्थाएं कर क्या रही हैं, राज्य सरकारें कर क्या रही हैं। बिहार सरकार में थोड़ा सा म्यूजियम जरूर बना है और थोड़ी सी सक्रियता वहां आई है, लेकिन वो भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंत में बिहार का कलाकार जो है अंत में फिर दिल्ली आना पड़ता है उसको, वो कि बिहार म्यूजियम वहां शुरू हुआ और कुछ चीजें वहां हुई हैं, लेकिन अभी भी अगर बिहार का कलाकार जो है और जिनकी चर्चा बहुत म्यूजियम में हुई, सुबोध कुमार वगैरह हैं, वो सब दिल्ली आकर भारत भवन नहीं बन पाया, वो नहीं अभी तक नहीं बन पाया है। हालांकि कुछ है, मैं पूरी तरह नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कुछ भी नहीं है, झारखंड में कुछ भी नहीं है। तो सरकारों की भूमिका होनी, कम से कम एक मंच बना करके आप दे दें, नियंत्रित करने की कोशिश न करें। अब आता है दूसरा, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जो निजी संस्थाएं हैं, जो निजी ट्रस्ट है, बिल्कुल उसमें किया है, पृथ्वी थिएटर की बहुत बड़ी भूमिका है भारतीय रंगमंच को आगे बढ़ाने में, और इसमें कोई संदेह नहीं, टाटा ट्रस्ट बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे लेवल पर ऐसे कम चेतना, कम से कम देखिए हिंदी भाषी इलाका जो है, बम्बई है, टाटा है, वो बहुत इलाइटेड इंडस्ट्रियलिस्ट है देश के टाटा, और कई क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, आर्ट से लेकर के फुटबॉल तक को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट है मुझे टाटा समूह को लेकर के। और अभी मैं इमामी का एक वहाँ कोटा में गया था अभी पिछले 6-7 महीने, वो भी जिसको आर्ट को लेकर के बहुत कुछ कर रहे हैं, और मॉडर्न कंटेम्पररी आर्ट को लेकर के, वहां पर तो आर्ट रिस्टोरेशन का कोर्स होता है बहुत अच्छा, इमामी का जो आर्ट सेंटर है कलकत्ता में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं और ऐसे इनिशिएटिव हैं, लेकिन जितना ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में बहुत कम है, और उत्तर भारत में थोड़ा सा राजस्थान में है, और वहां के जो पुराने इंटाइटन, जो गुणी जन जिनको कहते थे उनकी, लेकिन ललित कलाओं को लेकर के है थोड़ा सा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये भूमिका बढ़े, और अशोक जी की जो चिंता है मैं उसके साथ सहमत हूँ, और उस प्रक्रिया को अब हम हिंदी में तो दिक्कत है कि सही ढंग से, अब एक संस्थान होता है पत्रकारिता, पत्रकारिता काम ये सिर्फ सूचना देना ही नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि बार सांस्कृतिक चेतना को फैलाना भी, तो हिंदी में तो मीडिया तो वैसे ही बहुत कमजोर स्थिति में है, अंग्रेजी में भी मीडिया में जो अखबार हैं उसमें कलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, ये भी अशोक जी की चिंता का विषय रहा है, लेकिन हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए, और जिस प्रसंग में होना चाहिए वो पर्सपेक्टिव नहीं है, क्योंकि मीडिया से एक कलाकार को भी और समाज को भी एक परिप्रेक्ष्य मिलता है, पर्सपेक्टिव मिलता है कि हम कैसे चीजों को समझे, देखे, जांचे। मीडिया का एक काम जो आस्वाद, जिसको कहते हैं कला का आस्वाद, भी कला को आगे बढ़ाता है, अगर आप आस्वाद करना नहीं जानते हैं और आस्वाद की प्रक्रिया नहीं विकसित करते हैं तो भी कलाकार क्या कर लेगा, बहुत अच्छी कला है उसका आस्वादक नहीं है, और आस्वाद पैदा होता है उसमें बड़ी भूमिका मीडिया की रहती है, ये भी एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ये इसका क्षरण हुआ है मुझे लगता है। जी अर्पण। तो लगभग हम लोग समय की ओर बढ़ चले हैं, जो अपना तय समय था 1 घंटे के आसपास का, और इस बहाने, आपके इस वक्तव्य के बहाने, साहित्य और संस्कृति के बीच जिस तरह की आवाजाही हम देखते हैं अशोक वाजपेयी जी में, वह निश्चय ही एक ऐसा उनका पक्ष है जिससे कई सारे कार्य संभव हुए और जिससे बहुत सारे लोग जुड़ते भी गए। एक तरह से पूरा आंदोलन जैसा भी हमें दिखाई पड़ता है, और जो आज तक अलग-अलग रूपों में हम सभी के समक्ष है। वे लगातार इन दोनों ही पक्षों में, साहित्य और संस्कृति या साहित्य और कला, इन दोनों को ही समान रूप से लेकर चल रहे हैं।
हम कई बार देखते हैं विभिन्न कार्यक्रमों में भी, भारत भवन की भी आपने बात की। रविंद्र जी ऐसे लेखक भी हैं, युवाओं में भी हैं, बड़ा वह इस स्थिति देखकर तकलीफ भी होती है कि मान लिया कविता पाठ है या कहानी पाठ है या आलोचनात्मक वक्तव्य है, अपने हिस्से का भी दे देते हैं। अगर कोई जुगलबंदी है, दो तरह के नृत्य हो रहे हैं उनकी जुगलबंदी हो रही है, कोई संगीत गायन है तो भी वहां अनुपस्थित है। तो ऐसे में वर्तमान परिदृश्य ऐसा भी है जहां लेखकों का ही हिस्सा, आमंत्रित लेखकों का ही हिस्सा उन कार्यक्रमों से गायब है। वो मटर गश्ती कर रहे हैं, मटर गश्ती करने का भी अपना महत्व है, उस आवारगी का भी महत्व है, लेकिन कुछ समय नहीं। जैसे आपने बात की कि आप संगीत को सुनते हैं, चाहे जितना सुने तो, या नृत्य को देख रहे हैं, जितना देखें जितना समझें, मगर कला कलाओं के बीच यह आवाजाही कम हुई। तो इससे जो हमारे भीतर का एक हरापन है वह भी कहीं ना कहीं हमें अंदर से खोखला करता है। जो हमारी अपनी भाषिक शब्दावली है, हम जिस विधा में लिखे वह भी कमती है, इसको भी लोग नहीं समझ रहे हैं। युवा पीढ़ी में भी मैं देखता हूं, कुछ एक आयोजनों में मुझे जाना हुआ तो खाली है लोग, और दर्शक आ रहे हैं, भोपाल की ही बात की तो भोपाल से लोग आ रहे हैं, निकटवर्ती शहरों से आ रहे हैं, लेकिन जो उन सीरीज में 3-4 दिन के अगर कार्यक्रम है तो लेखक गायब है। अगर लेखक नृत्य नहीं देखेंगे या लोक रंग के कार्यक्रम नहीं देखेंगे या संगीत नहीं सुनेंगे तो ये जो भाषाई वैविध्य है, सांस्कृतिक वैविध्य है, यह कैसे उनके लेखन में आएगा? यह जो एक हरापन है या अनावश्यक वाचालता है या मुखरता है और दुनिया भर के दंभ भी हैं, तो आपको किस तरह के अनुभव होते हैं? फिर आपके अंदर किस तरह की चीजें आती हैं ऐसी स्थितियों को देखकर? कार्यक्रम हो रहे हैं मगर सुनने वाले, सराहने वाले लेखक तो कम से कम बहुत कम हैं। आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, जो बात आप कह रहे हैं मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। और अब मैं लेखकों की बिरादरी से हूँ, आप भी उसी बिरादरी से हैं, तो अब सारे लेखकों पर ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे लेखन का एक बड़ा समूह ऐसा है जो नृत्य और संगीत तो छोड़ दीजिए, नाटक खुद साहित्य नहीं पढ़ता है। और साहित्य का पढ़ना जो है, आस्वाद जो है, ये एक हमेशा से ही जो है सहृदयता, जिसके लिए शब्द है हमारे संस्कृत काव्य शास्त्र में, ये तो अगर सहृदयता नहीं होगी तो साहित्य कैसे बढ़ेगा, फिर कलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। और उत्तर भारत में देखिए, दक्षिण भारत में तो नृत्य को लेकर के एक अतिरिक्त आकर्षण है, केरला में है, तमिलनाडु में है, क्या नाम है, कर्नाटक में है। लेकिन आप उत्तर भारत में बताइए, कथक यहाँ का केंद्रीय नृत्य है उत्तर भारत का, जयपुर की अलग परंपरा है, लेकिन अभी भी नृत्य को लेकर, क्लासिकल की बात मैं कर रहा हूं, क्लासिकल नृत्य को लेकर के क्या स्थिति है? मतलब आम परिवारों में अब तो धीरे धीरे शहरीकरण की वजह से या महानगरीकरण की वजह से, हालांकि महानगरीकरण को कई लोग दोषपूर्ण मानते हैं, मैं नहीं मानता, और मैं मानता हूं कि शहरीकरण की वजह से कुछ जो दूसरी कलाएं हैं जैसे नृत्य है उनके प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ा है। और अब लेकिन जितना होना चाहिए उत्तर भारत में कहाँ है, मतलब जब आप सहृदय नहीं पैदा करेंगे तो कलाएं कैसे जीवित रहेंगी भाई? अगर अच्छे कानसेन नहीं है तो अच्छे तानसेन नहीं होंगे, पुराण संस्कृत में कहावत है, सॉरी संगीत में कहावत है कि कानसेन हो तभी तानसेन होंगे। तो ये तो सहृदयता की कमी है, साहित्य में भी है, इस भी है, लेकिन अब इसी में हम लोगों को करना है। और हिंदी भाषी समाज में, जबकि आप अगर पूरी दुनिया का देखें, और भारत में मोटा मोटी जो है 50% हिंदी वालों की जनसंख्या है, मतलब लगभग अब भारत की जनसंख्या तो 35-40 करोड़ लोग हिंदी भाषी हैं, और कितनी किताबें छपती हैं, ये इतना ज्यादा, ये इसकी बातें कही जा सकती है कि कुछ लोगों को ये पिस्टपेशन लगेगा जो है भी, लेकिन सच्चाई भी यही है।
नृत्य को लेकर के भी या संगीत को लेकर के भी यही है। अब तो जो बड़े हमारे संगीत के जो बड़े घराने थे वो भी किस संकट में है, आपको एहसास होना चाहिए इसका, मतलब हम सबको एहसास होना चाहिए। और अभी जिसको कहते हैं कि रायगढ़ जैसी जगह में जो अब छत्तीसगढ़ में है, वहां कितना बड़ा नृत्य का केंद्र था वो अपने जमाने में, अशोक जी ने उस पर भी प्रोग्राम में एक बार निकाला था रायगढ़ के कथक तो। लेकिन जो उत्तर भारत में जो एक विकराल सांस्कृतिक समस्या है शेष भारत से थोड़ी सी अलग है। असम में आप गांव गांव में वहां थिएटर हॉल है, नाटक होते हैं, बंगाल में यही स्थिति है, महाराष्ट्र में भी समस्याएं वहां भी है, लेकिन जितनी विकराल हिंदी क्षेत्र में समस्याएं हैं उतनी समस्या भारत के दूसरे राज्यों में नहीं है। असम साहित्य के पाठक, नाटक के, वहां के जो स्थानीय नृत्य हैं, जो संगीत है, बंगाल अभी भी रविंद्र संगीत पीछे पागल है, बंगाल होना भी चाहिए। तो ये जो उत्तर भारतीय संस्कृति है अर्पण जी, इस पर हम सबको सोचना चाहिए। हालांकि बात सिर्फ आलोचना से नहीं होता है, अपने तय हम प्रयास भी करें, लेकिन प्रयास बहुत बड़े प्रयास की जरूरत है, वो आसान नहीं है। क्योंकि हाँ, उत्तर भारत में जो पूरा माहौल है अभी राजनीतिक, वो अभी एंटी आर्ट है, कला विरोधी हो गया है, संस्कृति विरोधी हो गया है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी तो मैं करूंगा, अभी तो चूंकि चर्चा के केंद्र में अशोक जी का अवदान ही है तो मैं इसी बारे में कह रहा हूं कि हम सबको सहृदयों की जरूरत होती है, और अगर सहृदय नहीं होंगे तो कला भी नहीं बचती है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे नई कलाओं का जिसको कहते हैं, अभी तो मॉडर्न आर्ट जो है उसमें इतनी चीजें जन्म ले रही हैं पूरी दुनिया में कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ कभी कभी विदेशी मीडिया में, तो चकित रह जाता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्यों नहीं। फिर भी हिंदुस्तान में ललित कलाओं में बहुत सक्रियता है, इतनी सक्रियता है, इतनी उसमें नई चीजें हो रही है, इतनी अच्छी चीजें हो रही है, इतने मीडियम में काम हो रहा है कि मुझे लगता है कि उतना तो साहित्य में हो ही नहीं रहा है। ये मैं सिर्फ उत्तर भारत की भी बात कर रहा हूँ, जहाँ के लेकर फिलहाल मुझे लगता है कि हम लोगों ने बात पर्याप्त कर ली है, और कुछ सर्दी दिल्ली में इतनी ज्यादा है कि मेरा गला भी बीच बीच में थोड़ा सा खराब हो जा रहा है। तो अभी तो मुझे लगता है अर्पण जी हम लोग बातचीत को विराम दे यहाँ पर, तो अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इतना भी हमने कहा है उतना भले पर्याप्त न हो, लेकिन पर्याप्त से थोड़ा सा कम ही हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा। शुक्रिया मित्र जी, बहुत ही सार्थक वक्तव्य रहा और एक समर्पित लेखक संस्कृति कर्मी को लेकर जिस तरह से तमाम उदाहरणों के बीच आपने बात रखी, निश्चय ही हमारे मित्रों को यह वक्तव्य उपयोगी लगा होगा। आप यहाँ आए और समय निकालकर आए और इन सभी विषयों पर चर्चा हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इसको देख रहे हैं, इस पूरी सीरीज को, उन सभी का भी आभार। अशोक वाजपेयी जी पर यह एक अग्र जारी है, कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्ते।